थी इस्तांबुल में। इस वक्त गलाटा टावर के पास खड़ा हूँ, जिस जगह पे हम रहते थे उधर से डायरेक्ट। मेरा मशवरा है कि आप ट्रैम लें T1, 3 लीरा लगते हैं उसके, डायरेक्ट आपको गलाटा टावर के पास ले आएगी इधर से तकरीबन 500 मीटर। और गलाटा टावर उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक वैल्यू है इस्तांबुल में, तो मैं उसके पास जाके आपको उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ। जो भी टावर नज़र आ रहा है, गलाटा टावर इसका नाम है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो सुल्तान महमद को इस्तांबुल फतह करने के लिए ये टावर जो है, ये इसने बहुत अपनी एक अहमियत रखी थी। इस टावर से लेके हाया सोफिया तक वो जो दरमियान में समुंदर आता है, उधर एक लोहे की संगली लगी हुई थी, चेन लगी हुई थी। जो शिप अंदर से गुजरते थे वो चेन ऊपर कर देते थे ताकि शिप आगे ना जाएं और फौजी शौजी जो है उधर ही मर मरा जाएं उस पानी में। ठीक है समरिया, तो अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। 1 hour later ये जो इन्होंने गलाटा टावर से लेके दूसरी साइड जो आया सोफिया, ये इन्होंने चेन लगाई होती थी ताकि उधर से शिप वगैरह ना गुजरे। वो आपको अगर नज़र आ रहा हो ये देखें, ये एक छोटी सी सोविनियर शॉप। गाइस इधर ना आओ, गाइस प्रोग्राम कैंसिल, सारा मूड खराब कर दिया। Thank you.
आपको इस्तांबुल में जगह जगह पे इस तरह के नट्स मिलते हैं, ये इसको कोयले पे पकाते हैं, ये जिस तरह पाकिस्तान में संगाड़ा होता है, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ये सेम उस तरह का टेस्ट है ये। नॉट रिकमेंडेड गाइस, गजब बेइज्जती है। अभी गलाटा टावर से नीचे आ गया हूँ, काफ़ी रश था गलाटा टावर, काफ़ी देर लग गई, लेकिन 650 उन्होंने टिकट रखी है, देखने वाला ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको भी मैंने जो दिखाया वो ही कुछ है, ये सारा इस्तांबुल का व्यू आता है और कुछ भी नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, आप जाएं बाहर तस्वीरें खींचें, वो ही बचनिया ने। तस्वीरें खींचें और वापस आ जाएं, ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद ये मॉस्क के बिल्कुल सामने ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के साथ ही बिल्कुल बॉस्फोरस के लिए बोट लगी है, 100 लीरा इसकी प्राइस है, और ये तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट तकरीबन ये बॉस्फोरस जो है एशिया और यूरोप को जो मिलाता है उसके नीचे से गुजरेगी। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं साथ साथ, वो भी आपको दिखाते जाते हैं फिर।